आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी। उसके लिए मिक्सी के छोटा वाला ग्राइंडर ले लिए हैं। आधा कप मटर डालेंगे, ये बिल्कुल फ्रेश मटर है। अब इसके साथ में दो हरी मिर्च डालेंगे, 6 कली लहसुन के डालेंगे, साफ कर लिए हैं। अब इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको बारीक ग्राइंड कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फ्लेम को चालू कर दिए हैं, मीडियम फ्लेम पे पैन रख दिए हैं गरम होने के लिए। अब उसमें 2 छोटी चम्मच तेल डाल देंगे। आप चाहे तो घी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 1 पिंच राई डाल देंगे, 5 पत्ते कढ़ी पत्ता डालेंगे। इससे हमारे स्नैक्स में खुशबू बहुत अच्छा आएगी। अब इसको राई को चटकने देते हैं। राई चटकने लग गया है, अब इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसको भून लेते हैं। अब इसमें पीसी हुई हरी मटर को डाल देंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इसको मिक्स करके पका लेंगे। इसको 1 मिनट तक भूनते हुए पकाएंगे। अब इसको भूनते हुए 1 मिनट हो गया है, अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। एक बाउल में पहले से मैदा गूंथ के तैयार कर लिए थे, ये बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीका से गूंथा हुआ है। आप चाहें तो इसके जगह गेहूं के आटा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट गूंथा हुआ है। अब इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। टेबल को बिल्कुल हमने साफ कर दिए हैं, इसीलिए इस पर बेल के तैयार कर रहे हैं। अब बेलन से बेल लेंगे इसको, बिल्कुल ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इसको बेल के तैयार करते हैं। इसको बिल्कुल चौकोर शेप में बेल के तैयार कर लिए हैं। आप एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे और इसको किनारे वाला हिस्सा बिल्कुल काट के सीधा करेंगे, कुछ इस तरीका से इसको साइड हटाते जाएंगे। इसको साइड वाला हिस्सा को हटा लेंगे। अब इसको बिल्कुल चौकोर हो गया है, 3 भागों में काट लेंगे। अब इसको साइड कर देते हैं, दूसरा तैयार करेंगे उसमें मिला लेंगे। अब एक एक उठा के इसको, एक हिस्से को उठा के रख लेते हैं, 2 हिस्सा हमारे पास रह रहा है, उस हिस्से को बाद में बना के दिखाएंगे। आ इसको पहले तैयार कर लेते हैं। इस तरीका से इसमें डिजाइन बनाएंगे। इसमें भी इसी तरीका से बना के तैयार करेंगे। सभी पिज़्ज़ा कटर से काट के तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो चाकू से भी काट के तैयार कर सकते हैं। अब स्टफिंग तैयार किया हुआ लेंगे, 1 चम्मच स्टफिंग लेंगे हाथ पे। इसको ऐसे ऐसे करके बीच में रख लेंगे। स्टफिंग को साइड कर देते हैं। सबसे पहले पीछे वाला हिस्सा को उठाएंगे इस तरीका से। इसको इस पे बिल्कुल चिपका देंगे ऐसे करके। ये वाला हिस्सा इधर रहने देंगे, इधर का भी हिस्सा इस पे चिपकाएंगे। इसको अच्छे तरीका से पैक कर दिए। अब अपने डिजाइन को जो पतला पतला शेप में काट के तैयार किए हैं इस तरीका से इस पे, अब एक इधर से उठा के इधर चिपकाएंगे और इधर से उठा के इसको जो साइड वाला है इस हिस्सा को तोड़ देंगे और इधर से उठा के इधर चिपकाएंगे। इसको बना के देखिए, इस तरीका से बना के तैयार कर लिए हैं। अब एक प्लेट पे प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीका से सभी को बना के तैयार कर लेते हैं। सभी स्नैक्स को बना के एक प्लेट में तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फ्लेम को चालू कर दिए हैं, मीडियम फ्लेम पे पैन रख दिए हैं, उसमें तेल डाल दिए हैं गरम होने के लिए।
अब इसमें तैयार किया हुआ स्नैक्स को रखते जाएंगे। सभी स्नैक्स को रख दिए हैं नीचे के साइड से। अब इसको नीचे के साइड से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गया है, अब इसको पलट लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाला है, ज़रूर बनाइए और खाइए, और गेस्ट आए तो बना के खिलाइए। बहुत आसान सा रेसिपी है और बनाने में भी आराम है। अब सभी को पलट दिए हैं, नीचे के साइड से भी 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। सभी को पलट लिए थे, अब 2 मिनट हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, पलट के भी दिखा रही हूँ कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। इसी तरह सभी को निकाल लेते हैं। देखिए, सभी स्नैक्स को एक प्लेट में निकाल लिए हैं गर्मा गर्म। आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।